हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड रूट्स बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। रूट्स फाइंड करना है हमको कौन सी मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मींस एक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में चेंज करके फिर उसके बाद रूट्स निकालने का है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिफाइन रहता है कि आपको इसी मेथड से रूट्स निकालना है। तो उसके लिए कैसे हम यूज करते हैं इस मेथड को, तो चल के इसके लिए हम एक वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस बाय मेथड द ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका रूट्स फाइंड करना है। तो इसमें जनरली हम दो इक्वेशंस, ये आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर का यूजेज करना है अपने को। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें क्या हो जाता है सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2ab। माइनस क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे b माइनस है, तो यहाँ पे जब b माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाता है। तो ये दोनों फार्मूले का अलजेब्रिक जो हमारा आइडेंटिटी है इसका यूज करना है और इससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट चलिए काम करते हैं इस पर, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, थोड़ा इजी लगे। तो 3 से पूरे इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे इधर, तो हमको इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी इक्वेशंस में हम जो लेफ्ट साइड में वर्क करेंगे राइट साइड में कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से जब डिवाइड होगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो x², इसको डिवाइड आपने किया तो 5/3x एंड इसको डिवाइड किया तो 2/3 इक्वल टू 0 के इक्वल हो गए। अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी या a माइनस बी के फार्म में है, तो ये देख रहे हैं माइनस बी है, तो यहाँ पे a माइनस बी के फार्म में चेंज करना है। तो ये पहले का स्क्वायर, ये जनरली माइनस 2ab शो करता है, ये वैल्यू हमारा क्या शो करता है, माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया माइनस 2, ए का वैल्यू ऑलरेडी x है, अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या रखा जाए, बात को समझ लीजिए पहले एक बार। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर की बात करें तो a का वैल्यू क्या है x, और यहाँ पे हमने वैल्यू क्या पुट कर दिया, तो 2 रख दिया, a भी रख दिया। अब b का वैल्यू यहाँ पे क्या रखा जाए कि ये वैल्यू चेंज ना हो, यहाँ पे हमको क्या है 5/3x ही लाना है। तो 5/3x लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मान लीजिए हमने 5/3 यहाँ पे रखा, तो अब ये देखिए क्या हो रहा है, 10/3x हो जा रहा है, बट यहाँ पे क्या लाना है 5/3। तो 5/3 लाने के लिए यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो देखिए कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 5/3x आया, हमने कुछ चेंजेज नहीं किया। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 5/3 2 6, तो 5/6 आपने रख दिया। अब ये देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है, बी का वैल्यू आपने क्या रखा 5/6, तो आपने 5/6 ये यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा 5/6 का स्क्वायर। अब ये देख लीजिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए वैल्यू आपने अलग से एडिशंस किया है, आपने क्या किया है अपने पास एडिशंस किया है, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपने अलग से एडिशन किया तो इसको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बचा क्या है, तो 2/3 यहाँ पे रिमेनिंग बचा है, तो 2/3 यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ से लगाए यहाँ तक की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक लिख लिया आपने। अब ये जो वैल्यू बचा, आप चाहें तो इसको उधर उठा के लेके चले जाइए, यहाँ पे माइनस साइन है तो इधर जाएगा तो प्लस के साथ जाएगा स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/5 = 25, 6/6 = 36 और माइनस 2/3, एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 36
यहाँ पे 36 है तो 25, 12 टाइम 12 टू जा 24, तो ये आ गया हमारा 1/36। अब देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है तो ये वैल्यू है 1/36, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है 4, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा तो रूट 4, इसका वैल्यू क्या होगा 2। तो सेम थिंग्स यहीं पे, इसका स्क्वायर ये है तो इसका वैल्यू क्या होगा एक्स माइनस 5/6 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/√36। तो रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है, रूट 36 का वैल्यू 6। अब इसको ये रूट से बाहर निकलता है यहाँ पे तो ये प्लस माइनस आता है, जैसे आपने शुरू से ये पढ़ा होगा रूट 4 का वैल्यू क्या होगा तो प्लस माइनस 2, दो वैल्यू होगा। क्यों दो वैल्यू लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे दो वैल्यू होगा एक्स का, तो एक वैल्यू ये है आपका प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला। तो चलिए वैल्यू यहां से हमने ले लिया, एक्स माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। अभी क्या होगा एक्स का वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू एक बार हमने पॉजिटिव ले लिया 1/6, ये इधर जाएगा माइनस वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 5/6। दूसरा वैल्यू हमारा क्या होगा एक्स इक्वल टू एक बार हमने माइनस ले लिया माइनस 1/6 और ये इधर जाएगा पॉजिटिव 5/6। अभी एक्स इक्वल टू एलसीएम 6 ही होगा, इधर 5 + 1 = 6, तो 6/6 = 1, तो एक्स का वैल्यू हमारा एक आया 1। एंड दूसरा वैल्यू इधर से फाइंड करेंगे एक्स इक्वल टू एलसीएम 6, ये माइनस है तो -1, ये प्लस है तो प्लस, तो 5 - 1 = 4/6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो x का वैल्यू आया 2/3। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स निकाल सकते हैं, कौन सी मेथड से, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। आपने देख लिया अभी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, जैसे x इक्वल टू 1 आया तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3, इसका वैल्यू -5 और इसका वैल्यू 2 इक्वल टू 0, तो 3 + 5 - 5 = 0। रूट्स मीन्स कौन सा वैल्यू है जो यहाँ पे रखने पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, तो इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए और चलिए ये सेकेंड वाला 2x² - 5x + 3 = 0, इस तरीके से लिखा हुआ सेम थिंग्स। इसको थोड़ा इजीली करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² - 5/2x + 3/2 = 0। अब यहाँ पे सेम a का स्क्वायर माइनस 2 a ऑलरेडी x है, अब b की जगह पे क्या रखा जाए कि यहाँ पे 5/2 ही आए तो उसके लिए हमको क्या रखना पड़ेगा (×5/4), अब इसको काटेंगे तो 2 × 2 = 4, तो 5/2x सेम थिंग्स आया। अब 5/4 आपने क्या किया तो यहाँ पे सेम 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने क्या एडिशनली किया है तो इसको आपको ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अब रिमेनिंग बचा +3/2 = 0। बस आपको यही समझना है, ये 2a भी सेटिंग है, 2a भी का सेटिंग है, आपको ऑलरेडी 2 रखना ही है यहाँ पे, a का वैल्यू यहाँ पे डिफाइन है, b इक्वल टू क्या रखे हैं कि ये 5/2x है तो 5/2x रखने के लिए आपको 5/4 रखना पड़ेगा। अब 5/4 यहाँ पे देख रहे हैं 2ab, b के पार में तो यहाँ पे b स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, अब b स्क्वायर आपने एडिशनली अलग से ऐड किया है तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रिमेनिंग वैल्यू वही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो x - 5/4 होल स्क्वायर, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव और ये इधर जाएगा तो निगेटिव। अब सेम थिंग्स x - 5/4 होल स्क्वायर, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, -3/2 एलसीएम लेंगे 16, 25 भी रहेगा, 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, तो 1/16। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में, और रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है, रूट 16 का वैल्यू 4 होता है, तो x - 5/4 = हो जाएगा +-1/4, ये पावर हमने हटाया तो इसको रूट में लिखा तो रूट 1 का वैल्यू 1, रूट 16 का वैल्यू 4, +-1/4। अब इसको सॉल्व करना है आपको, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, x - 5/4 = +-1/4, तो x अपनी जगह पे,
ये 5/4 इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लेंगे, 5 + 1 6/4, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 3/2 हो गया। अनदर वैल्यू x = a इधर गया तो 5/4 आपका नेगेटिव वाला वैल्यू -1/4, तो 5 - 1 = 4/4। तो दो वैल्यू आ गया आपका, x = 3/2 and x = 1, इसका रूट्स हो गया। अनदर एक और कोशिश कीजिए आप भी, थर्ड 5x² - 6x - 2 = 0। सेम थिंग्स, आप चाहे तो इसको अलग तरीके से, बहुत तरीका है लेकिन सबसे इजी तरीका वही है। अगर मान लीजिए हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 6 × 5 = 30, इस तरीके से कर सकते हैं। या दूसरा वही तरीका इजी है, तो आपको x² 5 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, 6/5x - 2/5 = 0। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाना है तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू ऑलरेडी एक्स ही है, अब बी की जगह पे क्या रखे हैं कि ये 6/5 आए, तो 6/5 लाने के लिए आपको यहां से देख रहे हैं ये 2 ज्यादा है तो यहां से 2 कट गया। अब यहां पे कितना आएगा, 6/5, यहां से कट गया तो 6/5, तो आपने क्या है यहां पे कहा 6 × 5 = 10, यहां पे 10 कर दीजिए। अब इसका स्क्वायर आपने एडिशनली स्क्वायर्ड किया तो आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, और ये वैल्यू है -2/5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x - 6/10 = इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस है तो पॉजिटिव के साथ 6 × 6 = 36, 100, ये इधर गया तो ये भी पॉजिटिव है तो 2/5। LCM 100, 36, 5 है 20 × 10, 22 = 40, तो ये हो जाएगा आपको 4 + 3 = 76/100। अब ये रूट हटाना है तो x - 6/100 = 10, ये रूट में जाएगा, ठीक है, तो 19 × 4 = 76, ऐसे लिखेंगे 76/100, तो इसका वैल्यू होता है 19 × 4 और ये 10 × 10, तो ये बाहर आ जाएगा 24 बाहर आएगा तो ±2√19 एंड यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब एक बार एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, एक बार नेगेटिव, तो x = -6/10 = आया ±2√, इसको काट भी सकते हैं, 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10, तो इसको लिख दीजिए ±√19/5, ठीक है। अब इसको भी चाहे तो छोटा कर सकते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो x − 3/5 = ±√19/5। अब एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए और एक बार नेगेटिव वैल्यू, तो x अपनी जगह पे ये इधर गया तो 3/5 पॉजिटिव वैल्यू आपने लिया √19/5। आप चाहे तो एक लाइन खींच के दोनों को एक ही पर रख सकते हैं इस तरीके से, 3 + √19/5। दूसरा x = ये इधर लेके गए आपने 3/5 नेगेटिव वैल्यू −√19/5। अब सेम चीज 3 − √19/5। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, नो इशू, खाली इसको क्वाड्रेटिक आपको बना के दे देते हैं, बाकी आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। 2x² है +x − 4 = 0, इसको भी डिवाइड कर दीजिए तो x² x/2 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 4/2 = 2। अब सेम थिंग x² + 2ab की जगह पे क्या रखने पड़ेगा कि x/2 है, तो यहाँ पे आपको रखने के लिए क्या पड़ेगा, आपको x/4 देख लीजिए, x² यहाँ पे x/2 लाना है तो 2 × 2 = 4, ठीक है, तो 1/4 हमने क्या रख दिया, 1/4, अब कटेंगे तो 2 × 2 = 4, तो x/2 आ जाएगा। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, x² + 2ab की जगह पे आपने क्या रखा 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर, अब आपने एडिशनली इसको रखा तो 1/4 का माइनस करना पड़ेगा और -2 यहाँ पे है। अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं,
एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर, इसको इधर रख देंगे तो वन वन का स्क्वायर वन, फोर फोर जा सिक्सटीन और प्लस टू। अब इसको लिख सकते हैं सिक्सटीन वन सिक्सटीन टू जा थर्टी टू, तो थर्टी टू प्लस वन थर्टी थ्री बाई सिक्सटीन। क्लियर? अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसका रूट हटाना है तो एक्स प्लस वन बाई फोर इक्वल टू प्लस माइनस रूट थर्टी थ्री, और ये बाहर आप इसको लिख सकते हैं रूट सिक्सटीन का वैल्यू होता है फोर, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस वन बाई फोर, और एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो रूट थर्टी थ्री बाई फोर। अब इसको लिख सकते हैं माइनस वन प्लस रूट थर्टी थ्री बाई फोर। दूसरा वैल्यू एक्स इक्वल टू सेम थिंग्स माइनस वन बाई फोर, और माइनस वैल्यू ले लीजिए रूट थर्टी थ्री बाई फोर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस वन माइनस रूट थर्टी थ्री बाई फोर। तो इस तरीके से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर रियल में पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक्स कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।